कि दूसरे की दर्द आपको अपनी लगनी चाहिए। अगर आप नहीं फील कर सकते तो बहुत सैड है ये, बहुत सैड है ये। हालेलुया। एक दिन रास्ते में मैं खड़ा, मेरे घर के बिल्कुल बाहर, पता नहीं क्या हुआ, वहां गाड़ियों की टक्कर हो गई, पता नहीं मोटरसाइकिल की किसी चीज की टक्कर हो गई और वो बिल्कुल फ्लैट हो गया रोड के ऊपर, बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल बाहर की साइड, मेन रोड जहां आप जाते हैं चर्च की तरफ, चर्च की तरफ आते हैं जब, और वहां पे वो लेट, पूरा सड़क पे लेट गया और लोग उसके आसपास जैसे उनकी आस धोती घेरा डाल के खड़े हो गए। तो क्या हुआ जी, किसी ने मार दिया, गाड़ी ने मार दिया। अच्छा क्या है कि, हाँ जी एम्बुलेंस आती है जी। मैंने कहा क्या? कहते एम्बुलेंस बुलाई है। मैंने कहा तुम मूर्ख हो क्या, तुम एम्बुलेंस नहीं हो, तुम्हारे भी हाथ पांव नहीं है, तुम्हारी मां ऐसे होती तो तुम एम्बुलेंस की वेट करते ना जी, कोई केस ना पैजे हाथ देते, बंदा पावे मर जाए। मैंने कहा ओए चुप करो, गाड़ी मेरी उठाओ, छोड़ के आओ, केस बाद में देख लेंगे, क्या केस पड़ जाएगा, क्या डर है तुम्हें। उसको उठा के हॉस्पिटल टाइम पर लेके गए, वो बंदा बच गया, क्रिश्चियन नहीं है वो। आदमी जब चर्च की तरफ से निकलता है ना, इज्जत करता है चर्च कि इनकी वजह से बचाओ। आपको रोड पर कोई एक्सीडेंट मिलता है, आज एक सिंगर की डेथ हो गई, उसको गोलियां मार गए, वीडियो बना रहे लोग, उसके पास खड़े होके ऐसे वीडियो बना रहे, कितनी गोलियां लगी हैं, क्या हुआ है, हम लेके जाएंगे, हमसे पूछ, अरे क्या कोई पूछ लेगा तुमसे। आजकल सीसीटीवी का जमाना है, फोन का जमाना है, अपनी लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके किसी की हेल्प कर दो, क्या हो जाएगा तुमको। हम आपके साथ खड़े होंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप। हालेलुया। रास्ते में कहीं हेल्प की जरूरत है लोगों की, कर दो, डोंट वरी, चर्च में फोन कर दो, हम आपके साथ खड़े होंगे। आमीन। कुछ नहीं होगा आपको, कोई केस नहीं होगा आप। क्यों डरते हो तुम? मोबाइल का जमाना है, मोबाइल ऑन कर लो, रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, जहां से तुम हेल्प करने के लिए जा रहे हो वहां से रिकॉर्डिंग ऑन कर लो कि तुम हेल्प की, तुमने क्या कहा, तुमने कहा कि डॉक्टर के पास गए, कुछ नहीं होगा तुमको। लेकिन जब ह्यूमन फेस, हमें उसका मतलब नहीं मालूम, तो हम लाइफ में फेल है। फिर जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। तुम ऐसे लोगों की हेल्प करोगे जो अपनी हेल्प नहीं कर सकते, परमेश्वर तुम्हारी हेल्प करेगा जहां तुम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम लोगों को टच करोगे जहां वो कुछ नहीं कर सकते। तुम लोगों की प्रॉब्लम्स कई बार ऐसी हैं आप उन्हें एक सेकंड में सॉर्ट आउट कर सकते।